क्लास टेंथ का जो विषय है गणित, उसका पाठ 6 है त्रिभुज, उसका सबसे पहला प्रश्नावली आता है 6.1। इसमें क्या करा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है, सही शब्द क्या होगा वो आपको डिसाइड करना है। क्या सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? तो हम देखते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं। हम दो तीन को वृत्त बना लेते हैं, एक को वृत्त बना लिए, दो को वृत्त बना लिए, तीन को वृत्त बना लिए, चार को वृत्त बना लिए। क्या ये सभी वृत्त सर्वांगसम है? सर्वांगसम तो हूबहू होगा, तभी वो कोनो सर्वांगसम दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वांगसम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, है सर्वांगसम कोई? अच्छा, समरूप है कि नहीं है? समरूप है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक जैसा रूप है सबका, सब गोले गोल 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 है, तो क्या है? समरूप है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? समरूप। तो यहाँ भर दीजिए समरूप। क्या? समरूप। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखें, कह रहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं सभी वर्ग? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे? देखिए, आप देखिए, हम वर्ग बना लेते हैं, दो तीन को वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग ये है, एक वर्ग मेरे पास ये है, और एक वर्ग ये है। आप बताइए, एक वर्ग यहाँ भी है, यहाँ तो है। आप बताइए, क्या ये सभी सर्वांगसम है? और समान आकार का सेम जैसा है? नहीं है। तो सर्वांगसम नहीं है, क्या समरूप है? हाँ, समरूप है, एक जैसा दिख रहा है, यानी समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सीधा आंसर इसका हो जाएगा क्या? समरूप। तो आंसर को हम सिर्फ लिखवा नहीं रहे हैं, आंसर तो दिया रहा था किताब में, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आंसर हुआ कैसे, है ना? और आप लोग भी दिमाग लगाइए समझने पर, ना कि आंसर क्या होगा, समझ जाइएगा, आंसर एकदम आसान है। क्या होगा ये सब? समरूप होंगे। ओके, कोई दिक्कत? ये इसका आंसर होगा। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? सभी त्रिभुज सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन ऐसा त्रिभुज है जो समरूप ही होगा, एक के जैसा होगा? तो वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा, उतना ही बड़ा ये होगा। फिर एक बड़ा ले लेते हैं, ये भी इतना बड़ा है, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा। अब मान ली दो है, दो है, दो 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 सेंटीमीटर है, अभी पाँच सेंटीमीटर, पाँच सेंटीमीटर, पाँच सेंटीमीटर है। तो क्या ये क्या ये एक जैसा दिख रहे हैं? क्या ये नहीं दिख रहे हैं? क्या हम बड़ा बना लेते? चलिए, अब ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा तब समझ में पूरा आ जाएगा आपको, एकदम ए टू जेड समझ में आएगा। ये त्रिभुज, क्या ये तीनों त्रिभुज आपस में एक जैसा दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, और इसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये समरूप त्रिभुज जो होते हैं ना, सॉरी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं ना, हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं। सम माने बराबर, रूप माने चेहरा, जिसका बराबर चेहरा हो, एक जैसा चेहरा हो। तो चेहरा सबका एक जैसा, छोटा बड़ा है, ये ना, छोटा बड़ा है, चेहरा एक ही जैसा है, समझ में आया ना? जैसे हम डावल दत्मंजन खरीदते हैं तो छोटा पैकेट, बड़ा पैकेट, बड़ा पैकेट होता है। कोई भी चीज़ खरीदते हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका छोटा पैकेट भी आता है, बड़ा पैकेट भी आता है, बड़ा पैकेट भी आता है। तो सब क्या आपस में समरूप है। मगर मान लीजिए एक आपके पास क्लोजअप है, क्लोजअप जिससे आप मुंह धोते हैं, तो क्लोजअप का 100 ग्राम का भी आता है, 150 ग्राम का आता है, 200 ग्राम का भी आता है, आधा किलो का भी शायद आता होगा, शायद मान लेते। तो ये सब एक ही जैसा चित्र होगा सब पे कि अलग अलग होगा? एक ही चित्र होगा, छोटा बड़ा पैकेट होगा, है ना? तो ये समरूप है। मगर एक क्लोजअप है और एक डावला दत्मंजन है या पेप्सोडेंट है या कोलगेट है, तो क्लोजअप या क्लोगेट में दोनों का डिब्बा अलग अलग है कि एक जैसा है? तो बातें मत कीजिए इसका, ये दोनों अलग अलग है तो ना सर्वांगसम होगा ना समरूप होगा, क्या? मगर एक जैसा दिख रहा है तो सब क्या होगा? समरूप ही होगा। तो ये बात भी हमको समझ में आ गया कि जो ये त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, ये हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। इसमें भरना बहुत होता है। देखिए, कोई बहुभुज है
अगर उसके संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो, एक ही अनुपात में हो, तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा हम क्या करें, कोई बहुभुज है, बहुभुज मतलब क्या, एक से ज़्यादा भुजा वाला, जैसे ये पांच भुजा वाला है, पंचभुज है ना, और यह भी पांच भुजा वाला है, और इसमें एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये दो सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर है भुजा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है चार सेंटीमीटर और इसमें है दो सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ओके, समझ में आ गया। तो और इसमें कोण भी दिया हुआ, कोण इसका दिया हुआ है 60 डिग्री और इसका भी दिया हुआ है 60 डिग्री और इसमें दिया हुआ है ये 120 डिग्री और यह भी दिया हुआ है 120 डिग्री और यह भी दिया हुआ है मान लो 90 डिग्री और यह भी दिया है 90 डिग्री। सबको मानने में क्या जाता है, और इसमें भी 60 है, यह 120 है, 120 है और ये क्या है 90 है और ये क्या है 90 है, ओके, समझ में आ गया, ध्यान से समझो। तो क्या देखो कि सबका कोण जो है ना, संगत, संगत माने क्या होता है, देख लो संगत कोण क्या होते हैं, यहाँ पे आंसर इसका होगा बराबर, क्या होगा यहाँ पे बराबर। अब कैसे होगा ये देखो, ये तो आंसर हो गया, ये तो आंसर कोई देख के लिख लेगा, है ना। आई होता है इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसका मतलब समझा रहे, समानुपाती, समानुपाती, ओके। अब यहाँ पर बात को समझना है कि क्या होता है संगत भुजा बराबर, ये संगत कोण बराबर, सॉरी क्या होता है संगत कोण बराबर मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो संगत कोण का मतलब जैसे देखिए, अगर मान लो ए बी सी डी ई है और यह पी क्यू आर एस टी है, मान लेते हैं नाम है इसका, नाम में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो क्या ये इसका ए का संगत कोण, ए जहाँ पे है वहाँ पे इसका कोण कौन सा कोण है, पी है, तो पी, तो क्या ये दोनों संगत कोण बराबर हैं, मैं संगत का मतलब एक जगह जैसा है ना, एक जैसा वाला है ना, वो बराबर है ना। फिर इसका देखिए बी, इसका बी जो है ना कोण, यानी इसका कोण ए, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, कोण सी किसके बराबर है, कोण आर। आपको ये सर ये कहाँ लिख रहे हैं, ये तो गलती बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो ऐसा कहा कर दिया आप, है ना। देखिए एक्चुअली बात क्या है, समझे चित्र कहाँ गया भाई, चित्र फिर गया होगा, चलिए फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं, 2 मिनट बन जाएगा, छोटा सा अगोड़ा भैया, इसको हटाने के चक्कर में वो भी हट गया, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, बना लेते हैं। इसमें क्या नाम था, एक ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, यही ना था, ये कितना था 60 120 90 90 90 120 60 120 90 90 120, ये था आपका 2 2 1 1 5 4 4 2 2 10, देखा बस ना, ये था ना चित्र। तो इसमें हम बता रहे थे कि आखिर कैसे, ये बहुभुज है, बहुभुज मतलब क्या, जिसमें जिसमें मैंने जिसमें भुजाएं हों, दो से अधिक भुजाएं हों, सब बहुभुज होता है। त्रिभुज भी बहुभुज है, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज षष्ठभुज सप्तभुज अष्टभुज नवभुज दसभुज जितना भुजा ना सब बहुभुज है। बहुभुज मतलब क्या, ज़्यादा, बहु माने बहुत, दो से ज़्यादा हो जाता है ना सब बहुभुज हो जाता है ना, दो से ज़्यादा हो जाता है। त्रिभुज तो हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज में त्रिभुज, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज है ना, ये पंचभुज है ना, तो कोई बहुभुज ले सकते हैं। तो क्या ये बहुभुज जो है ना, ये सर्वांगसम कब होंगे, ये सर्वांगसम होने की क्राइटेरिया कब है, सर्वांगसम तब होंगे
जब इसके संगत कोण बराबर हो, क्या हो? संगत कोण, ये संगत कोण जो है ना बराबर हो। तो ए का संगत कोण कौन है? ए का संगत कोण है बोलिए पी, बी का संगत कौन है क्यू। आप ये सर ये नहीं हो सकता है, बी का संगत टी नहीं हो सकता है? नहीं भैया, लाइन से लीजिए ना, इधर से ले रहे ऐसे ले रहे थे सब, ऐसे लीजिएगा ना, एक वो ऐसे लीजिएगा वो ऐसे लिया तो यूँ मैंने हो सकता है, बट ऐसे ले रहा था ऐसे ही लीजिए ना। अच्छा सी बराबर क्या होगा? कोण आर। भैया सी बराबर 90 है, आर बराबर 90 है, ठीक है। तो इसमें एस के कारण कहने कर दिए हैं, तो नहीं हम लोग इधर से ले रहे हैं तो इधर से लेंगे, संगत है। संगत समझ में आ गया, संगत का मतलब समझ में आ जाइए। आप बताइए डी बराबर क्या होगा? एस। कोण आर टी बराबर क्या होगा? ई बराबर, हाँ कोण ई बराबर क्या होगा? कोण टी। तो इस प्रकार से आप संगत कोण समझ में आ गया आपको? संगत कोण समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या सो रही है वही मारेंगे क्लास में, सोने का आठ मतलब। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है बताइए? संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है? देखो आखिरी बराबर क्यों किए पता है? देखिए यहाँ बराबर करने का कारण क्या था कि 90-90 था। अब हम लोग दूसरा नंबर कर रहे हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? संगत भुजाएं समानुपाती। तो संगत भुजा जो है ना, गौर से देखिएगा, इसका संगत भुजा ए बी का संगत, इसको मिटा देते हैं पहले। संगत कौन समझ में आ गया? संगत भुजा, इसका संगत भुजा क्या है? ए बी। अब बटा इसका क्या हो जाएगा बोलो? ए बी बटा पी क्यू। ए बी का मान कितना हुआ? दो। पी क्यू का मान कितना है? चार। काटेंगे तो कितना आएगा? कट गया। अब नेक्स्ट लिखो, ये क्या है? बी सी है। चलो बी सी, इसका बी सी लिए तो इसका क्या लेंगे हुआ? क्यू आर। बी सी बटा संगत भुजा ले रहे हैं तो बी सी कितना हुआ? एक। और क्यू आर कितना हुआ? दो। देखो बराबर आ रहा है। चलो इसका देखो सी डी कितना हुआ? सी डी। सी डी ऐसा क्या लेंगे हुआ? आर एस। सी डी कितना है? पाँच। आर एस कितना है? दस। फिर इसका ले लो क्या? डी ई। डी लो, डी बटा इसका क्या लोगे? एस टी। एस टी डी कितना हुआ? एक। ये तो कटेगा ना, ये काटी काटे नहीं, काटेंगे तो एक बार दो आएगा। हाँ हाँ एक है, उसका क्या है बटा? दो। एक और बचा हुआ है क्या? इसका ए ई। क्या ए ई? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ लिख देते हैं ए ई बटा ऐसा क्या हो जाएगा वो एक पी टी। तो ए कितना हुआ? ए दो। अब पी टी कितना है? चार। अब गौर से जरा देखो, कट जाएगा ये भी, कितना आ गया? एक बटा दो। संगत भुजा का अनुपात कितना है? एक अनुपात दो। यहाँ पे कितना है? एक अनुपात दो। यहाँ पे बट्टा नहीं कहो, अनुपात कहो, अनुपात की बात हो रही है यहाँ पे, बट्टा को अनुपात भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे कितना है? एक अनुपात दो। क्या एक सब जगह अनुपात बराबर है? इसी को कहते हैं संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसका मतलब है, तो हम कहेंगे ये इसके समरूप है। क्या है? समरूप है। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखेंगे बता देते हैं। इसको लिखेंगे पंचभुज ए बी सी डी था, ए बी सी डी ई, ये समरूप है किसके? पी क्यू आर के, पी क्यू आर एस टी के। अरे पंचभुज लिखा ले बउआ, अब गौर से देखिए तो समझना है, आए समय में। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, इसको समरूप बता सकते हैं कि हाँ ये समरूप है। नंबर थोड़ा एक ही बार। अगला प्रश्नावली उसी में अगला क्वेश्चन क्या देखिए, नहीं है यहाँ पर वो, देख लीजिए कहाँ है, कोई नहीं रखा, कहाँ कौन रखा था? नहीं कहाँ है? अरे भैया यहाँ पे कौन रख दिया है? कहिएगा ऊपर रखने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है ना, उस साइड रखने के लिए, लीजिए नुका के कोना में रख ले, वही घुसा के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
कि निम्नलिखित युग्मों में निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, उदाहरण देना है दो करा समरूप आकृति का उदाहरण देना है आपको। समरूप आकृति का उदाहरण दे सकते हैं? तो समरूप आकृति नहीं बना सकते हैं। समरूप आकृति क्या होते हैं? दो गो वृत्त ले लीजिए, दो वर्ग, क्या दो वर्ग हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और दो वृत्त क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। दो गो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बना दीजिए, दो गो वर्ग बनाना क्या बात है, दो गो वर्ग बना दीजिए, एक बड़ा एगो छोटा बनाइए, समरूप लगे। समरूप में थोड़ा सा अजीब लगना चाहिए ना, बड़ा छोटा लगना चाहिए, समरूप हो गया है ना, ये समरूप हो गया। दो गो वृत्त, एक वृत्त, दो गो वृत्त, समरूप हो गया, हो गया क्लियर। अगला क्या करा है यहाँ पे, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, दो ऐसी आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है मतलब कैसा हो, मतलब अलग प्रकार का हो। जैसे देखो ना, ये आयत है, दूसरा नौ साल बना रहे हैं हम, दूसरा का दूसरा, ये आयत है और ये वर्ग है, क्या ये एक जैसा है? है, इसमें सब बराबर बराबर होता है। इसमें इसमें कुछ ये और ये अलग होता है, और ये अलग होता है, पता कि नहीं होता है कि नहीं है। तो ये ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है, दो आकृति ऐसा ऐसा आकृति लिखना है जो समरूप नहीं हो, समरूप नहीं है। और भी लिख सकते हैं, जैसे एगो ले लेंगे वृत्त, एगो ले लेंगे त्रिभुज, क्या ये समरूप है? हाँ नहीं, समरूप कैसे हो जाएगा? एगो हम ले लेंगे, एगो ले लेंगे औजार बॉक्स, एगो ले लेंगे कॉपी, क्या समरूप होगा? वो नहीं होगा, अलग अलग आकार का है, रूपे उसका अलग अलग है ना, तो समरूप नहीं। तो समरूप बहुत सारा आकृति बना सकते हैं हम लोग, तो कोई भी दो समरूप आकृति बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये दोनों समरूप है कि नहीं है। तो हम देखेंगे भैया, समरूप होने के लिए दो बातें हैं, कि कोण बराबर होनी चाहिए और भुजाएं अनुपात संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। याद रखिएगा, समरूप होने के लिए दो शर्त, क्या दो शर्त, कौन कौन शर्त है देखिए यहाँ पे, बात समझिए, ध्यान समझ लीजिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। देखिए समरूप होने के लिए एकदम कोई भी चीज समरूप कब होगा, जब उनकी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। याद रखिएगा, संगत कोण फिर से, आपकी संगत कोण फिर से, संगत कोण बोलिए आप लोग पूरा, संगत कोण बराबर हो क्या, तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, दो चीजें हमेशा होनी चाहिए। तो क्या ये जो कोण बना हुआ है, क्या हुआ एक जैसा कोण है, इसमें संगत कोण बराबर है, क्या ये कोण इस कोण के बराबर है? ये अधिक कोण है, क्या है अधिक कोण, 90 से ज्यादा होगा, हो सकता है 120 110 कुछ हो, मगर 90 से ज्यादा हो। अगर हम इसको एक मेजरमेंट भी करें कि आखिर ये कोण कितना है, तो हम नाप के दिखाते हैं आपको ये कोण है कितना, एक्चुअली ये कोण कितना है, नाप का दिखाया इसे बता देते हैं, मुझे मानिए बता देते हैं, क्या ये और ये कोण बराबर है, तो बताइए। ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, समकोण का निशानी होता है इसे, मगर ये 90 से बड़ा है, हो सकता है 120 हो या 110 हो, कुछ भी हो चाहे 100 हो, तो ये दोनों कोण बराबर है। जब कोण बराबर, संगत कोण बराबर नहीं है, तो समान क्या होता है, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। बस सीधी बात जान लीजिए, समरूप ये नहीं होगा, क्लियर। हाँ, संगत भुजाएं समानुपाती है, क्या कि डेढ़ बटा तीन करेंगे ना, डेढ़ बटा तीन छोड़िए ना, खर्चा भैया नहीं तो देखने से क्या फायदा है, जब कोने बराबर नहीं है तो संगत कोने एगो होना चाहिए, दोनों होगा तब ना होगा, तो ये होवे नहीं करेगा, तो लिखेंगे समरूप नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संगत कोण, क्या संगत कोण बराबर नहीं है, है ना, इसीलिए क्या है ये समरूप, क्या है समरूप नहीं है, ये समरूप, हाँ नहीं करते, ये चतुर्भुज समरूप नहीं है, कभी चतुर्भुज नहीं दिले हैं, तो ये चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज
क्या है आपस में समरूप, माने समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, हो गया। दो शर्त है दोनों में, दोनों लागू होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, दोनों शर्त लागू होगा तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही है इसमें, है ना।